नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश में ईद के दिन छुट्टी के दिन स्कूल लगा था और महेंद्रगढ़ जिला के कनीना में एक बस हादसा वैन हादसा हुआ था। उसको देखते हुए पूरा प्रशासन हरियाणा प्रदेश का सजग हो गया है और कल आपने देखा होगा कि सिरसा जिला के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, क्योंकि हम सिरसा जिला के नाथूश्री चोपटा से आपको ये पूरी खबर दिखा रहे हैं। आज यहां पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और विभाग के जो लोग हैं उनके बीच बैठक हुई है। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किस मुद्दों पर बातचीत की गई है, इसलिए हमारे साथ जो यहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं रामचंद्र गोदारा और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके प्रधान है रामकिशन खोत, वो जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करते हैं कि वो पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं। मीटिंग थी, क्या प्रोग्राम था? मीटिंग पूनिया जी, कल तो मैंने अपने प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था। आज ये अपने चोपटा ब्लॉक के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो हेड या लीडर बोलो आप उसको, उनको बुलाया था और मीटिंग का जो एजेंडा कल भी था आज भी यही था कि जो हमारे स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं उसकी सिक्योरिटी, यानी बच्चा सुरक्षित तरीके से आए और सुरक्षित तरीके से जाए, कोई अनहोनी ना हो, इंश्योर किया जा सके, इसके लिए रखा था। सर, अब तक कोई जांच पड़ताल हुई है, कोई ऐसी बात सामने निकल के आई है सिक्योरिटी पर? सिक्योरिटी की अपने एक सारे हमें समाज के अंदर ये जब कोई दुर्घटना होती है तो सिस्टम उसके तरफ जो ना ध्यान देता है, तो उसके कुछ दिन बाद हम लोग जो ना लापरवाही में चले जाते हैं। जैसे डब्बा वाली का चागनी कांड है तो स्कूलों में प्राइवेट सरकारी सब में एक एक्सटिंग्विशर लगाए गए थे, उसके बाद कई जगह मैं देख रहा हूँ कि वो बंद पड़े हैं। अब ये जो हादसा हुआ है, एक तो हमारा जो टूर प्रोग्राम था किसी प्राइवेट स्कूल का कुछ दिन पहले, वहाँ वो बस जो हमें कैजुअलिटी हुई थी, अब एक रोड पे हुई है। वो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, दूर का है, हमें पूरे फैक्ट्स तो नहीं पता, लेकिन उस वो एक बड़ा दर्दनाक मतलब वेदना और दुख, हर आदमी उसको सुनता है तो मतलब रूह कांप जाती है। तो पहला मैं समझता हूँ कि जो बच्चा सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, तो पहला स्कूल का धर्म बनता है कि बच्चा सुरक्षित तरीके से घर से आए और सुरक्षित तरीके से घर से जाए, यानी घर सुरक्षित तरीके से पहुंचे। दूसरा उसके अंदर जाना, उसका एजुकेशन की क्वालिटी का वो बात आती है। तो मैं ये इंश्योरमेंट चाहता हूँ इनसे, स्कूल से, एजुकेशन सरकार के स्कूल या प्राइवेट के स्कूल, कि बच्चे के आने और जाने में 1% भी कोई जो ना सुरक्षा की चूक ना हो। इंश्योरमेंट के लिए क्या कुछ ऐसे आपने उनको आदेश दिए? मैंने अपने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से तो मन से पूछा भी, उम्र के इस पड़ाव में आपके आसपास से प्राइवेट की बस गुजरती है तो कहीं स्पीड ज्यादा से चल रही है बस, तो आपको लगता है कि कहीं ये कोताही कर रहा है, तो फ्यूचर में मेरे पूरे ब्लॉक के अंदर प्रिंसिपल कैडर है, वो व्यक्तिगत जिम्मेवारी मान के उस स्कूल के मुखिया को स्कूल में बुला के कि अपने इस ड्राइवर को और बस को प्रॉपर मेंटेन करेगा या हम इस पर कार्रवाई कर दें। तो सबने इस जिम्मेवारी को लिया है कि आज के बाद हम इस चीज को करेंगे और प्राइवेट स्कूल ये अश्योर कर रहा है एफिडेविट के तौर पे कि जो गाइडलाइन, जो रूल्स, रेगुलेशन विभाग हमसे अपेक्षा करता है उसका हम एफिडेविट देंगे और पूरी पालना करेंगे, किसी भी बच्चे की सुरक्षा को हम खतरे में नहीं डालेंगे। अब इसके लिए जैसे ये घटना हुई उसके बाद में कल कोई चालान किए गए हो पुलिस की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? मैंने पहले बताया आपको कि जब कोई दुर्घटना होती है तो पूरा सिस्टम, उसमें आप लोग भी, मीडिया के लोग भी शामिल हो, तब आप जागते हो। रूटीन में हम जो ना, हमारा करेक्टर ऐसा बन गया कि हम उस चीज का ध्यान नहीं करते। अब ये हादसा हुआ है तो सारा मतलब सरकार पर बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव आया, इस पर ध्यान दे रही है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी नीचे से ऊपर तक इसकी तरफ ध्यान कर रहा है। तो ये एश्योरेंस तो मैंने ले लिया इन लोगों से, कागज में एश्योरेंस लेने से कुछ बात नहीं बनती है, रोड पे एश्योरेंस जो वो दिखा रहा है वो हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। और रूटीन में इस प्रोसेस के लिए मैंने अपना एक प्रिंसिपल को 6 महीने पहले, ये प्राचार्य भीम है, इनको इस बस का जो इनकी बस इस रोड पे चलती है इसके नोडल जो ना प्रभार इसको दी हुए भीम को, और इस बीच में हमने चोपटा की बसों को बीच में रोड पे रोक के देखा भी है। हाँ, कुछ पहले थोड़ा सा उसमें ध्यान कम था कि इंश्योरेंस के कागज पूरे या नहीं हो रहे, अब हम पूरे पूरे फैक्ट जो सरकार चाहती है वो सारी चीज चेक करेंगे। थैंक यू।
सर विभाग की तरफ से कोई विशेष जिम्मेवारी दी गई हो इस मामले को लेकर? बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार के ऊपर की गाइडलाइन के अनुसार से 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें मुझे चेयरमैन बनाया और जो ना एक आरटीए से हैं इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिस से हैं, 3 आदमियों की जिम्मेवारी मतलब कमेटी बनाई है जो ये गाइडलाइंस इन बसों से हमें उम्मीद है और ये कागज ये पूरे करके रखेंगे और स्टेटस बस का ये मेंटेन करेंगे, वो हर 15 दिन बाद में जो ना पूरा जो हम चेक करेंगे जो हमें लगता है हमें रिपोर्टिंग होती है हमारे फील्ड से। वैसे तो डोर टू डोर करो आप, स्कूल टू स्कूल हम एक एक बस को देखेंगे। कब से शुरू करने जा रहे हैं? शुरू तो हो चुका है, कल भी शायद चैनल से तो कमेटी नहीं गई होगी लेकिन पुलिस ने बहुत सारे चालान काटे हैं और बहुत सारे गाड़ियां जो ना इंपाउंड की है सिरसा के अंदर। कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया पुनिया जी, एजुकेशन स्कूल की जो उसका है वो 2 नंबर है, पहले है सिक्योरिटी, सुरक्षित बताए और सुरक्षित जाए। अगर शिक्षा ठीक से नहीं करवाए तो गार्जियन के पास राइट है अगले साल बच्चा हटा लेगा दूसरे में करवा दे, लेकिन जो हादसा इस प्रकार का लापरवाही है उसका कोई अल्टरनेट बच्चे के पास नहीं है। अब बड़ा आदमी तो मैंने आपको जैसे मीटिंग में भी आप सुन रहे थे कि अगर शराबी आदमी है तो बस रुकवा के उतर जाएगा, अब हमारा बच्चा तो इतना वो संवेदन नहीं है कि अगर ड्राइवर ठीक नहीं चला रहा तो उतर जाए, उसको तो अल्टीमेटली उस ड्राइवर के चरित्र के साथ भुगतना पड़ेगा। ये हम जो ना पूरा स्ट्रिक्ट जो ना उसमें 1% भी जो ना कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कोताही को, और इंश्योर्ड है आप चोपता ब्लॉक के अंदर कोई भी बस नॉर्म को इग्नोर करके नहीं चलेगी। और मैं इस बात की एफिडेविट लूंगा, अगर किसी भी स्कूल के हेड ने किसी भी कागज की किसी भी मतलब उसकी लापरवाही करी है, मेरी चेयर से उस स्कूल की मान्यताएं रद्द करने के लिए सरकार को लेटर चला जाएगा। सर आज एक तो मीटिंग हुई है यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और हरियाणा प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूल है जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? आज चोपता प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सभी स्कूल संचालकों की बैठक हुई है। जैसा कि आपको पता है 10 अप्रैल का हादसा बहुत बड़ा था और इसको बड़े सीरियसली लिया है हम सभी ने, और सरकार के साथ सहयोग करने की सभी को हमने सभी साथियों को कहा है। अभी एसीएस की मीटिंग चल रही थी उसको भी मैं आपको बताऊं कि सभी स्कूल्स को गाइडलाइन सेफ्टी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी और ये मस्ट है सभी के लिए। हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की भी एक कमेटी बनाई है कि सबसे पहले हम चेक करें, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट चेक करे, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेक करे। परंतु सभी साथियों से ये अपील भी करी है कि कभी टेंशन में ना रहें, आराम से सहज भाव से 2 दिन का समय अभी मिल जाए तो मच बेटर है, क्योंकि मैं सरकार से एक अपील करूंगा आपके माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर DTO बस को पासिंग करता है। अब इन बिटवीन आपने कल देखा कि गाड़ियों के चालान हुए, अगर संख्या देखें तो टोटल 15-16 हजार गाड़ियां आपके हरियाणा में, अगर 50% का भी रेशियो लें तो 7-8 हजार गाड़ियां जो है वो पासिंग में नहीं है, कोई कमियां हैं। उन 8 हजार गाड़ियों को अगर मैं चाहूं कि संडे के दिन पूरा करके मंडे को अगर मैं चला लूं तो नॉट पॉसिबल। तो जिस प्रकार से चालान करने के लिए कमेटी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर बनाई है तो DTO को चाहिए कि ब्लॉक लेवल के ऊपर पासिंग करने के लिए अगर कमेटी बना दें, उन्हीं से एक अधिकारी आ जाए तो ब्लॉक लेवल के ऊपर पासिंग की जाए तो जल्दी इन गाड़ियों की पासिंग हो जाएगी, ये मेरा निवेदन है। और सभी मिलकर के हम प्रयास करेंगे, बच्चे की सुरक्षा पहले है, शिक्षा बाद में। अभी कई स्कूलों के अंदर इस तरह के छोटी जैसे जीप है कोई और इस तरह के छोटे आती है और इस तरह का वो यूज करते हैं तो वो कितना लीगली तौर पे? देखिए 2 प्रकार की ये बातें इसमें, कई तो पेरेंट्स ने अपने लेवल के ऊपर व्हीकल किया हुआ है और वो रजिस्टर्ड नहीं है स्कूल के नाम, वो सीधा बच्चा आता है और बाहर से चला जाता है, ये सिटी में ज्यादा है गाँव में कम है। दूसरा प्राइवेट व्हीकल किसी ने स्कूल ने साथी ने कोई ढाणी के लिए नजदीकी लाने के लिए, क्योंकि वहां स्कूल बस जा नहीं सकती, अब ढाणियां बना ली गई हैं, उन ढाणियों के लिए किसी ने भाई ने ले रखा है तो मैं तो चाहूंगा कि उसको स्कूल के नाम रजिस्टर्ड करवाए, रजिस्टर करवाने से पहले उनको सेफ्टी जो है उसकी वो फुलफिल कर ले, बच्चा सेफ स्कूल में आ जाए और सेफ चला जाए, ओवर क्राउडेड ना हो, ट्रेन ड्राइवर हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। सर जिस तरह से सरकार एकदम से एक्शन में आई है, प्राइवेट स्कूलों की मीटिंगें हो रही हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी है जो प्राइवेट स्कूलों को काफी समय से दिक्कतें आ रही हों
और सरकार से उन्होंने गुहार लगाई और वो ठीक ना हुई, ऐसी कोई बात भी है? कई स्कूलों के मेरे पास फोन आए हैं कि कोरोना काल के दौरान टैक्स पेंडिंग थे, तो काफी स्कूल ने तो गाड़ियां वो बेच दी, यानी वो ओवरेज होगी, गाड़ियां एज 15 ईयर की है तो 15 साल होती है, वो बेचते गए। उनमें से कोई एक दो बस किसी के पास हो सकती है, तो वो टैक्स के लिए पासिंग का जो टैक्स था उसकी रिमिशन के लिए लगाया था, उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि हम पासिंग करवा लें। ये कई बार हम मिले थे और चंडीगढ़ भी देकर के आए थे ज्ञापन के उसको टैक्स को कम किया जाए, और पर सरकार ने शायद 6 महीने का कम किया, बाकी का टैक्स वो पूरा ले रहे हैं। अगर कम किया जाए तो जितना हम जुर्माना या फीस कम करेंगे उतना जल्दी लोग पासिंग कराएंगे। पैसा कलेक्ट करना गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसकी अगर वो सारी डॉक्यूमेंट्री फुलफिल कर रही है, गाड़ी सही है चलने में, और साल उसकी 13 साल उम्र है गाड़ी की, यानी कि वो 2012 मॉडल गाड़ी है और चलने में ठीक है, तो उसका पासिंग का या जो फाइन है पेंडिंग टैक्स है उसका थोड़ा रिमिशन मिल जाए तो बेहतर रहेगा। ये तमाम बातें आपने देखी कि सुरक्षा पहले नंबर पर रखी गई है, जैसे रामचंद्र गुदारा जी ने बताया कि सुरक्षा पहले है, शिक्षा बाद में है, इसलिए सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द ही अपनी जो बसें हैं बाकी सुरक्षा के जो संसाधन है उनको ठीक कर लें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके प्रधान ने बताया कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सरकार के सामने उन्होंने रखी हैं, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बेधड़क हरियाणा न्यूज। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ, धन्यवाद।